मेरा नाम वैसे आचार्य राजेश ओझा के नाम से जानते हैं, वैदिक नाड़ी ज्योतिष के हैं, और इसमें तो हमने प्रथमा से लेकर के आचार्य डीलिट डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त किया है। और मैं आपको बताता हूँ कि ज्योतिष में हर मानव का एक अपना विश्वास होता है, आस्था होता है। जब हम जीवन में अपने उतार चढ़ाव की स्थिति में आ जाते हैं तो उस समय हम एक ज्योतिषी के पास जाते हैं, एक ज्ञानी के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, और गुरु जी ने जैसे हमें आदेश दिया, जिस प्रकार से हमारे आत्मबल को बढ़ाया, मेरे विश्वास को एकाग्रचित किया, और उनके एकाग्रचित भाव से मैं संतुष्ट होकर के अपने उस फल को प्राप्त कर लेता हूँ, उस समय हम कहते हैं कि हम ज्योतिषी साहब गुरु जी के पास गए और हमारा कल्याण हो गया। आज जो ये कार्यक्रम है लोकेश धमीजा जी ने किया है एस्ट्रोलॉजिकल, और ये बड़ा ही अच्छा रहा, बड़ा ही सुंदर, और हमारे बाहर राज्यों से भी ज्योतिषी आए हुए हैं। सभी ज्योतिषियों ने अपना अपना मत दिया, सभी लोगों ने अपनी गणना, प्राचीन गणना, वर्तमान की गणना, इन संपूर्ण गणनाओं के विषय में भी चर्चा किया, और चर्चा करने के बाद ज्योतिष को आगे साइंस की उपाधि दिलाने के लिए सभी ज्योतिषियों ने भी संकल्प लिया है कि हमें जिस प्रकार से अगर कोई ज्योतिषी है और साइंस का एक विद्यार्थी आता है तो कहता भाई मैं साइंस पढ़ के आया हूँ, तो ऐसी ज्योतिषी अगर आए तो कहीं पर भी जाए तो वो बड़े फिक्र के साथ ही कहे कि मैं ज्योतिष करके आया हूँ, मैं ज्योतिषी, प्राउड ज्योतिषी हूँ, और इस चीज़ पर भी आज विशेष चर्चा की गई है। आजकल देखा है बहुत सारे ज्योतिष बन गए, पहले तो कम होते हैं, उस पर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है, लेकिन आप लोग अच्छे ज्योतिषी हैं तो कैसे इसको बढ़ावा देकर लोगों का विश्वास? देखिए, ज्योतिष सत्य है, ज्योतिष में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ज्योतिष को ज्ञान अर्जन करने वालों की कमी हो सकती है, क्योंकि जिसने ज्ञान अर्जन किया है हो सकता है वह अल्प ज्ञानी हो, पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता है। तो ज्योतिष को ना बदनाम करके, क्योंकि झोला छाप तो बहुत सारे ज्ञानी होते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो एक लाइन में बहुत सारे होते हैं, परंतु एक डॉक्टर साहब होते हैं पढ़ के आते हैं और पेशेंट को देखते ही उसे कुशल कर देते हैं, उसी प्रकार से ज्योतिष है। ज्योतिषियों में भी अगर आप पूर्ण रूप से ज्ञानी बनते हैं तभी सामने वाले को आप संतुष्ट कर सकते हैं, और जब तक ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान ना हो तब तक आपको ज्योतिष कहलाने लायक भी आप नहीं हैं। आप राजनीतिक विश्लेषण ज्योतिष करते हैं, अभी जो गुजरात चुनाव के बारे में, देखिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, हाँ पहले के रेशो में थोड़ा रेशो कम आ जाएगा क्योंकि कुछ ग्रहों का भी योगदान हो चुका है, ग्रह परिवर्तन हुए हैं, तो वहाँ पर बीजेपी, हिमाचल में बीजेपी और गुजरात में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र भाई मोदी जो हैं आने वाले टाइम में पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि उनका जो कुंडली है वह बड़ा ही उच्च योग्य है। और क्या राजनीति में आगे क्या उथल पुथल होने वाली है? आगे उथल पुथल होगा, 2019 में भी उथल पुथल होगा, जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई थी उसमें थोड़ा सा रोष रहेगा, और क्योंकि GST आदि को लेकर के, नोटबंदी को लेकर के भी जो जनता है, ये जनता भी प्रताड़ित है, क्योंकि अभी तक नरेंद्र भाई मोदी जो हैं वो सबको कानून की लाइन में लाना चाहते हैं। हमारे भारत भूमि के अंदर क्या है, क्या अभी तक हमारी धारणा ही नहीं थी कि हम टैक्स दें, क्योंकि 50% ज़्यादा की कोई टैक्स ही नहीं देना चाहता, कहता कि भाई हम सारी प्रॉपर्टी तो बना लें, टैक्स ना दें। उस टैक्स को अनिवृत्त करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर यहाँ रहना है तो आप सब लोग अगर टैक्स देंगे रेवेन्यू आएगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा, ग्रेट बनेगा, और भारत को गोल्डन की तरीके से पुनः हम सब जानेंगे कि हमारा गोल्डन भारत है, और इस भारत को पुनः बार बार प्रणाम करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने आज की डेट में चतुर दिशाओं में विश्व गुरु बनाने के लिए पूर्ण संकल्प लिया है, और हम आशा करते हैं, समस्त ज्योतिषी आशा करते हैं कि हमारा देश भारत गुरु बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी मनोज तिवारी जी आए तो उन्होंने अपनी बात की राहुल गांधी के भविष्य के, आप कैसा मानते हैं राहुल गांधी के भविष्य? देखिए किसी का एक हास्यात्मक दृष्टि थी, मनोज तिवारी ने एक नेता है, नेता एक हास्यात्मक दृष्टि देता है कि मैं ज्ञानी हूँ। मनोज तिवारी के जो परिवार के लोग हैं ज्योतिषी हैं, क्योंकि पीछे से हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, पंडितों पर विश्वास देना, गुरु पर विश्वास रखना, ज्योतिषी के पास हर नेता जाता है, कुछ सामने से जाते हैं, कुछ चोरी से जाते हैं। बिना पूजा के बल से कोई भी मंत्री नहीं बनता, मंत्री बनने के पद पे या उच्च स्थान पे जाने के लिए या तो माँ का साथ होगा, या पत्नी का साथ होगा, या गुरु का साथ होगा, या किसी न किसी के एक सान्निध्य होगा, बिना सान्निध्य के आप उच्च स्थान पर प्राप्त
नहीं हो सकते हैं। तो मनोज तिवारी ने हास्यात्मक दृष्टि से कहा कि राहुल गांधी आने वाले टाइम में, राहुल गांधी का भी समय अच्छा रहा, वो भी काफ़ी पिक होंगे, इसमें संशय नहीं है। अभी एक उनका बयान आया था कि एक तरफ से पैसे डालें, आलू डालेंगे, दूसरे से सोना उगलेंगे। देखिए राहुल गांधी का बोलने का लहजा अलग था, परंतु वाक्पटुता उनकी लड़खड़ाने के कारण से वो सोना निकला है, जबकि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो जल्दबाजी में एक गलत बयान है, क्योंकि कई बार हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण भी हमें सोच और समझ करके करना चाहिए। ऐसा नहीं उच्चारण करना चाहिए कि जो समाज में जा करके वह निंदनीय हो। लेकिन आपने कहा कि उनके पितृ दोष है, लोग तो इतने बड़े लोग ज्योतिष को मानते नहीं, तो कैसे फिर उनका दोष दूर? संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो ईश्वर को ना माने, जो अपने माँ और बाप को ना माने, जो अपने गुरु को ना माने। ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी पूजा नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है राहुल गांधी पूजा नहीं करते हैं, ये सारे लोग पूजा पाठी हैं, सबके लिए धर्माचार्य हैं। परंतु आप जानते हैं कि जब तक गुरु की पूर्ण कृपा नहीं होगी तब तक आपको राजगद्दी प्राप्त नहीं होगी। आप जानते हैं कि श्री रामचरितमानस में भी दिया है ना, भगवान श्री राम का राज तिलक होना था, परंतु प्रारब्ध ऐसा था कि उनको बन का राजा बनना पड़ा और वहाँ भरत को राजा बनाना पड़ा। इसलिए अब इनका समय ठीक आ रहा है, राहुल गांधी जी का भी, तो ये आने वाले समय में, हाँ ये है कभी प्रधानमंत्री से कई हज़ार किलोमीटर दूर रहेंगे, वर्तमान में थोड़ा सा दिल्ली का भविष्य उज्जवल करने की कोशिश करेंगे। ये समय होता है, ये हर प्राणी का चक्र होता है, ईश्वर पे भी आया था, मानव पे भी आता है, जीव जंतु पर भी आता है, समय किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए आने वाले समय में राहुल गांधी भी कांग्रेस को, क्योंकि पर्टिकुलर राहुल गांधी का नहीं है, कांग्रेस का मिथुन राशि को भी देखना है कि जिस पद से आप चल रहे हैं, जिस पार्टी से आप चल रहे हैं, उस पार्टी की क्या अंतरदशा, क्या महादशा, क्या प्रत्यंतर दशा बनती है। क्योंकि पार्टी के बल पर आप व्यक्तित्व के द्वारा पहचाने जाते हैं, केवल एक व्यक्ति विशेष से आप नहीं पहचाने जाते। क्योंकि तुला राशि का प्राणी है, तुला राशि वाले वैसे राशि ठाट का भोग रहे हैं, तो राहुल गांधी राशि ठाट तो भोग रहे हैं, परंतु वर्तमान की स्थिति है कि कांग्रेस की स्थिति अभी मजबूत नहीं है। इसलिए अभी आने वाले समय में इनको काफ़ी अधिक मेहनत करना पड़ेगा, और वर्तमान में आने वाले समय में इनका कुंडली का उच्च योग बन रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कागार पे बने हुए हैं, शीघ्र ही दिसंबर में अध्यक्ष बन जाएंगे। हम अभी देश की बात कर रहे हैं, हम अभी दिल्ली में, तो दिल्ली की बात करें जी, केजरीवाल का भविष्य कैसा मानते हैं? केजरीवाल देखिए अपने शुक्र के अनुकृत हैं, केजरीवाल के कुछ ग्रह उच्च के हैं जिसके कारण से सीएम के पद पर विराजमान हैं। अगर इनके ग्रह नीच के होते तो अब तक ये कई जगह से ध्वस्त हो जाते, परंतु इनके ऊपर भी माँ का आशीर्वाद है, इसलिए इन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता।